अस्सलाम वालेकुम जी कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे खुशबाश होंगे मज़ों में होंगे वेलकम टू माई चैनल तो आज ही आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये चूरी हम बना रहे हैं पिछले दिनों हमने जो घर में चूरी बनाई थी तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ तो ये जो मेरी जेठानी है ये बना रही है चूरी और आटा इन्होंने गूँध लिया था लेकिन वो मुझे बताना भूल गई तो मैं वीडियो नहीं बना सकी लेकिन इसके आटा जो है उसके गूँधने का यही प्रोसेस है उसमें ऑयल वगैरह डाल के उसको गूँधा जाता है और फिर उसकी जो है ना रोटियाँ बना के उसको गर्म गर्म ही ऐसे तोड़ के तो उसकी जो है ना चूरी बनाई जाती है तो पहले जो है ये हम लोग इस तरह से हाथ से इसको कर रहे थे इसकी चूरी बना रहे थे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था और हाथों में जो है ना जलन भी हो रही थी क्योंकि ये गरम गरम इसको जो है इस तरह से चूरा किया जाता है क्योंकि जब ये ठंडा हो जाए तो फिर इसकी चूरी ठीक तरह से बनती नहीं है तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको चॉपर में डाल के तो इसकी जो है चूरी बनाए फिर मैंने चॉपर निकाला और चॉपर में डाल के ना मैं इसको साथ, साथ जो है आ, इसकी जो है मैंने इसको चॉप कर रही थी तो पेशावर में ये वैसे बहुत ज़्यादा ये रस्म की जाती है हर साल जो है चूरी बनती है और जो लड़के वाले हैं वो लड़की के लिए चूरी लेकर जाते हैं जिनकी इंगेजमेंट वगैरह हुई हुई होती है या निकाह हुआ होता है ना तो वो लड़की की तरफ ऐसे वो लेकर जाते हैं फिर इसके साथ फ्रूट्स वगैरह भी ले जाते हैं और जो कुछ लड़की के लिए सूट चूड़ियाँ वगैरह तो बहुत अच्छा लगता है ये रस्म लेकिन मेरा ख़्याल है कि पंजाब साइड पर अब ये रस्म इतनी नहीं की जाती तो यहाँ पे मैंने चॉपर निकाल लिया और इसमें मैं जो है रोटी को डाल के चॉप कर रही हूँ इससे हमारा काम बहुत इजी हो गया था तो यहाँ पे अब इसमें सौंफ डल रही है सौंफ डाल के इसको जो है मिक्स किया जाएगा इसके बाद जो है फिर इसमें चीनी डाली जाएगी चीनी डाल के और इसको मिक्स करके बस ठंडा होने के लिए रख देंगे अगर आप इसमें गरम गरम चूरी में चीनी डालेंगे ना तो वो फिर चिपकेगी और ठीक तरह से बनेगी नहीं पहले चूरी को ठंडा होने दें जब वो ठंडी हो जाए इसमें बाद में आप चीनी ऐड करें चीनी आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको मीठा पसंद है आपको कम पसंद है कम डालें ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डालें और उसके बाद जो है हमने इसमें गरम ऑयल डाला है ऑयल को गरम करके इसमें डाला है और उसको मिक्स किया है ये देखें जी इस तरह से मिक्स करने के बाद फिर इसमें हम आ, सारे मिक्स जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो डालेंगे आ, इसमें ये देखें ड्राई फ्रूट डाल के बस जी चूरी रेडी हो गई है ये देखें जी बस ये चूरी अब रेडी है इसको चाय के साथ खाएं वैसे ही खाएं शाम के टाइम स्नैक एज अ स्नैक खाएं तो अच्छी लगती है अच्छा जी जो मेरे जेठ हैं उनका जो बड़ा बेटा है उसने मैट्रिक में माशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर लिए तो सब घर वाले उनको कह रहे थे कि आप ना हमें ट्रीट देंगे आपके बेटे ने अच्छे मार्क्स लिए हैं और पास हो गया है मैट्रिक में तो फिर उन्होंने हमें ट्रीट दी तो फिर हमने ये बर्गर वगैरह और पिज्ज़े वगैरह मंगाए ऑर्डर देते वक्त हम सबसे पूछ रहे थे कि किसने क्या खाना है तो सब किसी से फैसला ही नहीं हो रहा था क्योंकि इस पिज़्ज़े में और बर्गर में फ़ैसला करना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही मेरे फेवरेट हैं और कोई कह रहा था हम बर्गर खाएंगे कोई कह रहा था पिज़्ज़ा हम खाएंगे तो फिर हमने कुछ बर्गर मंगवा लिए और कुछ पिज़्ज़ा हमने स्मॉल मंगवा लिए थे तो मैंने तो खैर पिज़्ज़ा ही खाया मैंने बर्गर नहीं खाया अच्छा जी ये नेक्स्ट डे है और हम यहाँ किसी के घर आए हुए थे तो वहाँ पे जो है ताज जो है खेल रही थी और शाम का टाइम था तो यहाँ पे ना इन्होंने बहुत प्यारे फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए हैं साथ इन्होंने छोटे छोटे तोते भी रखे हुए हैं तो इनका घर मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो गाँव के घर होते हैं ना खुले खुले और इसमें इस तरह से ये पौधे वगैरह लगाए जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा चले आप लोग के साथ भी शेयर करूँ यहाँ देखें ये इस ये जो है इनका पिंजरा सा है और इसमें इन्होंने सब कुछ इनका इंतज़ाम किया हुआ है अंगूर की बे बेल जो है इतनी फैली हुई है इतनी बड़ी है और इनका घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है हम बाहर सहन में ही बैठे थे गपशप लगा रहे थे चाय शाय पी तो जो है ना हम वहीं पर अभी बैठे ही हुए थे कि मौसम इतना प्यारा हो गया और ठंडी हवाएं हो गई बादल हुए लेकिन पता नहीं क्यों कि पेशावर में बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है होती ही नहीं है और जब कभी कभी हो जाए तो सब लोग इतने खुश होते हैं ये देखें यहाँ पे इनके घर में इतने प्यारे फूल लगे हुए थे बहुत अच्छे लग रहे थे अच्छा जी तो जो जो लोग पेशावर से हैं ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पेशावर में बारिश क्यों नहीं होती जब शुरू शुरू में मेरी शादी हुई ना तो मैं बहुत वेट करती थी अब बारिश होगी अब होगी फिर मुझे यहाँ सब ने बताया कि यहाँ बारिशें बहुत कम होती हैं लेकिन वेदर का है हर इलाके का अपना एक वेदर होता है लेकिन आप लोगों ने कमेंट करके ना मुझे ज़रूर बताना है ठीक है अच्छा जी तो ये मैं पिछले दिनों जब गई थी शॉपिंग करने ये उसकी वीडियो क्लिप है तो मैंने सोचा मैं आपको ये ड्रेस दिखा दूं मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा चले आप भी देख लें ये जो रेड कलर का शेफून था और इसके ऊपर जो है सितारा और कटदाना सीक्वेंस वग़ैरह का, का काम हुआ हुआ था बहुत अच्छा लग रहा था और इसकी प्राइस थी ट्वेल्व ये थ्री पीस सूट था और इसकी प्राइस थी ट्वेल्व फिर उसके बाद जी मैं खाड़ी पे गई खाड़ी पे टू पीस की वैरायटी इतनी अच्छी इतनी मज़े की खैर मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकी अच्छा जी तो जो निकाह पे मैंने ड्रेस पहना था और मेरी सिस्टर ने पहना था आप लोगों ने बहुत कहा कि हमें फुल ड्रेस दिखाएं तो मैंने सोचा चले मैं आपको दिखा ही दूं ये देखें ये मैंने अलगरम से शर्ट ली थी वाइट शर्ट थी ये बहुत सिंपल थी तो मैंने सोचा कि मैंने निकाह पे पहनना है तो थोड़ा सा इस पर कुछ काम वगैरह होना चाहिए ये देखें इसकी नेक नेकलाइन जो है बिल्कुल सिंपल थी इसके ऊपर ख़ुद ही मैंने बीड्स वगैरह लेके और मोती वगैरह लेके इस पर ऐसे लगा दिए थे ये देखिए दुपट्टे के लिए टसल्स भी हैं मैंने खुद बनाए हैं ये मैंने इस तरह से इस पर लगाए हैं और ये देखें जी चारों कोनों पर जो है ना मैंने छोटे छोटे से सिंपल से टसल्स बना के मैंने लगा दिए थे तो आप लोगों की भी कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये ड्रेस दिखाएं तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूं इसके बाजू पे मैंने इस तरह से मोती सितारा लगाया ना लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा फिर उसको उधेड़ के फिर मैंने इसको इस तरह से ये जो बाजू की जो पट्टी थी ना इसको मैंने फुल भर दिया सीक्वेंस और मोती सितारा और इस तरह से करके ना मैंने सारा लगा के इसको मैंने फुल भर दिया ये वैसे वीडियो में इतना शाइन नहीं कर रहा था लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था ये देखिए ये अलकरम से मैंने लिया था और इस शर्ट की प्राइस थी तकरीबन फ़ोर थाउजेंड फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड थी आई थिंक यही प्राइस थी इसकी और इसके साथ मैंने ट्यूलिप शिलवार बनवा ली थी और रेड दुपट्टा साथ ले लिया था ठीक है ये सेकेंड पैरेड ड्रेस जिसका आप कह रहे थे कि हमें दिखा था ये मेरी सिस्टर का है उसने ये अलमीरा से लिया था ये टू पीस ड्रेस था और इसके साथ ट्राउज़र था और इसके ऊपर जो है ये कोट्स कोट कॉलर कोट बना हुआ था और ये जो कोट था ना ये इनर के साथ अटैच था ठीक है ये देखिए यहाँ से ना ये इसके साथ बिल्कुल अटैच है ये सेपरेट नहीं है तो और इसका जो फैब्रिक है ये सिल्क रॉ सिल्क है इसकी प्राइस इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूंगी अच्छा इसके एंड पे जो है ये इस तरह से पैरट्स कोई बर्ड बना हुआ था और इस पर ये काम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ था शाइन कर रहा था इस पर ये पैच लगा हुआ था और गेंजा का और ये बहुत प्यारा लग रहा था और जो मेरी सिस्टर ने पहना हुआ था ना तो उसको भी बहुत सूट कर रहा था मुझे तो बहुत पसंद आया ये उसका सूट तो आप लोगों की फरमाइश थी तो मैंने सोचा चले आप लोगों को मैं दिखा दूँ जी सूट आपने दोनों देख लिए हैं अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दोनों सूट आपको कैसे लगे जो नेकलाइन पर मैंने काम किया हुआ है उसके बारे में भी बताइएगा कि आपको कैसे लगा है और यहाँ पे जो है ना आजकल अम्मी आई हुई है हमारी तरफ तो हमने ना रूम की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है यहाँ पे हमने उनके लिए चारपाई डाली है मैं और ताज बेड पे सोते हैं और अम्मी जो है इस चारपाई पे सो जाती हैं और ये लड़की आजकल इतनी इतनी कोई नौटी हुई हुई है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ दे ये देखिए ये धनिए से मुझे मार रही है धनिए की गड्डी पकड़ के उससे मुझे मारी जा रही है ये देखें और बस आजकल इसने जो है ना डस्टबिन का खोलने का तरीका सीख लिया है वैसे इसको इतना शौक़ है जहाँ से कोई कचरा वगैरह देखती है छोटा छोटा उठा के जाके डस्टबिन में डालती है इसको मैंने सिखाया भी हुआ है कि जो भी ये टॉफ़ी वगैरह या बबल खाती है कुछ भी तो उसका जो रैपर होता है ना इधर उधर ना फेंक के ये डस्टबिन में जाके डाले तो ये एक अच्छी आदत है बच्चों को जो है ना बचपन से ही सिखाएँ वरना जो बच्चे खा के इधर उधर फेंक देते हैं ना तो वो फिर अच्छी आदत नहीं है तो बस यहाँ पे जो है ये ताज खेल रही थी चारपाई के लिए बहुत खुश थी इसको नई सी चीज़ लग रही थी इस पर चढ़ के बस छलांगे मारती रहती है और हम जो है साथ साथ में और अम्मी ड्रामा देख रहे थे ये खेल रही थी और यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ओके जी अल्लाह हाफिज़ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में बाय